अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारी सिलाई की फोर्थ क्लास है। जिन्होंने पहली वाली क्लासेस नहीं ली हैं, वो जाके पहली वाली क्लासेस ली। मैंने प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस डाली हैं और मुझे उम्मीद है कि जो मैं सिखाती हूँ वो आप लोग इस हफ्ते में सीख लेते हैं। जो हफ्ते का बीच में गैप आता है, तो आज हम जो सीखेंगे वो पिंटक्स के लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, उसे आयरन करना है, बिल्कुल उसे साफ़ सुथरा करना है। उसके बाद हम जो कपड़े को थोड़ा सा मोड़ेंगे, आप अपनी फिंगर्स के हिसाब से भी मोड़ सकते हैं कि आपको दो रखनी है, आपको तीन रखनी है। पिंटक्स में हमें बिल्कुल पतली सिलाई करनी है, जितनी पतली सिलाई होगी उतना खूबसूरत लगेगा। तो बिल्कुल भी आराम आराम से सिलाई करनी है। स्टार्टिंग में आप करेंगे तो आपके साथ ये होगा कि आपकी मशीन बार बार ना कपड़े से उतरेगी, लेकिन आप लोगों ने इसको ट्राई पर ट्राई करना है ताकि आप लोग बिल्कुल इसमें एक्सपर्ट हो जाएँ। ये बहुत खूबसूरत लगती है। इसमें बिल्कुल पतली पतली सिलाई करेंगे बिल्कुल आराम आराम से, और मेरे साथ ये स्टेप दोहराते जाएँ। सिलाई होने के बाद इस तरह से नज़र आएगी। जब आप इस पर सिलाई कर लेने, तीन तीन उंगलियों के गैप से जो है, या आप जितने देना चाहें, आप दो देना चाहें दो से दें। मैंने अपनी थ्री फिंगर्स के गैप से सिलाई की है, तो मैं इससे कर रही हूँ। अच्छा, निशान लगाने के लिए आप लोग पेंसिल का यूज़ करें, चॉक का यूज़ करें स्टार्टिंग में, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि इतने इतने गैप पर ही बनानी है, ताकि आगे पीछे ना हो। देख सकते हैं मैं किस तरह कितनी पतली पतली सिलाई कर रही हूँ। आप लोग ने भी बिल्कुल इसी तरह करनी है। आई होप कि आप लोग मेरी पहले वाली वीडियोस भी देख रहे हैं, उससे भी सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं तो इसे बिल्कुल रनिंग में रखें, क्योंकि सिलाई ऐसी चीज़ है जिसे रनिंग में रखना चाहिए, वरना भूल सकते हैं आप लोग, तो इसलिए इसको रनिंग में रखें। अब आपके पास जो पूरा हफ्ता आएगा, आपने उसमें ये वाली पिंटक्स बनाना सीखनी है। आप देखें मैंने किस तरह तीन गैप से सारी वो कर दी। अब मैं आराम आराम से सब पे सिलाई करूँगी, बिल्कुल एंड तक वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोगों को बिल्कुल आराम से अच्छे से समझ आ जाए। सिलाई को बिल्कुल आराम आराम से चलाइएगा, ताकि जो है अच्छे से सिलाई हो। और बिल्कुल देखें इस तरह की लेयर्स आनी चाहिए। देखें ये किस तरह की प्यारी सी लग रही है ना। आप इस तरह की लेयर्स लिएगा, बिल्कुल तहम्मुल से सिलाई करिएगा कि बार बार नीचे ना उतरे। और नीचे उतरे तो कोई बात नहीं, फिर अलग आप लोग दो से तीन कपड़ों पर प्रैक्टिस करेंगे तो उस पर आप लोगों को आइडिया हो ही जाएगा कि मतलब किस तरह लगती है। देखिए मैं आपको एक एक करके दिखाती जा रही हूँ। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करते करते सिलाई मेरा यहाँ पे धागा निकल गया, और ये भी मतलब यहाँ पे अब मेरा धागा ख़त्म हो गया। इसका मतलब कि नीचे से सिटल में धागा ख़त्म हो गया, तो अब हमें सिटल को दोबारा भरना है। तो जब इस तरह हो जाए तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सिटल देखेगा, सिटल में से मेरा धागा ख़त्म हो गया था, तो मैंने अब दोबारा धागा भर के अब मैं सिलाई कंटिन्यू कर रही हूँ। सिटल भरना और लगाना मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में सिखाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाइए जाके पहली वीडियो देखिए। मैंने सिलाई की जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ जाके आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। और जो एक्स्ट्रा धागे उन्हें ट्रिम भी करते जाइएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा धागे जब होते हैं तो खूबसूरती नहीं आती जब तक हम उसे ट्रिम ना करें। ट्रिम करने के बाद जो है कपड़े में और खूबसूरती आ जाती है। अब देखें ये है किस तरह मैंने सिलाई की है। आप इसका आगे भी देख सकते हैं, आप पीछे भी देख सकते हैं। इसी तरह बिल्कुल आप लोग की भी होनी चाहिए। अब बारी आती है इनके कॉर्नर्स की। तो कॉर्नर्स मैं अपने सेकंड वीडियो में भी बनाना सिखा चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। तो मैं यहाँ पर भी बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर स्कार्फ पिन का यूज़ कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को मुश्किल हो साइड बनाने में तो आप लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है बिल्कुल आराम से जो है मशीन चलाइएगा, इसकी वजह से आप लोगों की सुई भी टूट सकती है, इसलिए बिल्कुल आराम आराम से करिएगा और स्कार्फ पिन को रिमूव करते जाइएगा एक के बाद एक। इस तरह आप लोगों को कॉर्नर्स बनाने में मुश्किल नहीं होगी, ईजिली आप कॉर्नर्स बना लेंगे। इसी तरह अब हमने जो है साइड्स सारी बनानी है। देखें आप किस तरह मैं सारी साइड्स बना रही हूँ, बिल्कुल ऐसे आप लोगों ने रिपीट करते जाना है साइड्स को, पिनों से लगा के करना है, पिनों से करें। और अगर आप लोग ऐसी बिल्कुल क्रीज बना सकते हैं तो ऐसी करें, इट्स अप टू यू। अच्छा।
अच्छा, अब हमारी बारी आती है फाइनल व्यू की। आप देखें कि मैंने किस तरह सिलाई की है। अच्छा, मैंने ब्लैक धागा यहाँ पे इसलिए यूज़ किया ताकि आप लोगों को प्रोमिनेंट हो सिलाई। आप जो है बिल्कुल इसी कपड़े का कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। सो इफ यू एंजॉय माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।